हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बच्चों आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 का। इस लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे और सीखेंगे। तो आई होप बच्चों आपने मेरी पहले की वीडियोज़ देख ली होगी, और अगर नहीं देखी इस चैप्टर की तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और हाई होप आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, और नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द सम बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सिर्फ प्लस करना है, ठीक है? और प्लस हमें इस तरीके से करना है कि जो प्लस है जो ईजिएस्ट वे में, जैसे कि पहला पार्ट है हमारा 837 प्लस 208 प्लस 363, तो हमें इस तरीके से प्लस करना है कि हमें प्लस करना ईजी हो। देखो, इस वाले पार्ट में मैं क्या करूँगा, मैं 837 और 363 की प्लस पहले करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है 7, और इसके एंड में क्या आ रहा है 3। 7 प्लस 3 क्या हो जाएगा 10, और फिर वो 10 वाला जो है मेरे पास इजी हो जाएगा। ठीक है, मैं 837 प्लस 363 को 208 से प्लस करता हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को पहले मैंने ऐड करा, तो देखो 7 यहाँ पे 3, सीधा 10 हो जाएगा यहाँ पे 1, 1 हासिल, 1 कैरी हो गया। 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 1 10, यहाँ पे 1 कैरी चला गया 8, 1 9, 9 प्लस 3 12 प्लस 208, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और 8, 8 0 और 0, 0 ही रहेगा। 2 प्लस 2 4, और यहाँ पे 1 का 1, तो बिल्कुल ईजीएस्ट वे में हमारे पास 1408 निकल के आ गया। अब मान लो मैं 837 का प्लस पहले 208 से करता, ठीक है, और फिर बाद में मैं करता इसकी 363 से प्लस। अब इसको और इसको पहले ऐड करता, देखो 7 प्लस 8 कितना होता 15, हार्ड पड़ गया ना, यहाँ पे कितना था 7 प्लस 3 डायरेक्टली 0 हो गया। अब यहाँ पे 7 प्लस 8 15 पड़ेगा, तो थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे डिफ़िकल्टी होगी। 3 प्लस 1 4, उसके बाद 8 प्लस 2 10, 1045 प्लस 363, ठीक है। 3 प्लस 5 यहाँ पे हो जाएगा 8, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 1 प्लस 3 4 और 1 का 1, तो यहाँ पे भी 1408 आया। तो इजी वे मेरे लिए ये हुआ, तो मैंने इस वे से इसको ऐड करा। बाकी आपकी इच्छा, आपको जो इजी वे लगे आप उससे ऐड कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट बी है हमारा 1962, 453, 1538 और 647, ये चार डिजिट्स हैं, इन चारों को ऐड करना है। तो मैं जिसके एंड में ज़ीरो आएगा ऐड करके, वो मैं कंसीडर करूँगा। जैसे 1962 है, इसके एंड में 2, इसके एंड में 3, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, तो ये नहीं, 2 प्लस 8, ठीक है, इसके एंड में क्या है 8, 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। तो मैं 1962 और 1538 की प्लस पहले करूँगा। बाकी आपको जो इजी लगे आप डायरेक्टली ऐड कर लेना। प्लस इसमें एंड में आ रहा है 3 और इसके एंड में आ रहा है 7, तो इसकी मैं 453 प्लस 647 की ऐड करूँगा, ठीक है। अब 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, 1 कैरी 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 3 10, 1 कैरी 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 5 15, 1 कैरी 1 2 हो गया, ये 2 प्लस 1 3 3500 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 7 प्लस 3 10, 1 कैरी 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी 4 प्लस 1 5, 5 और 6 11, तो ये हो जाएगा 1100। तो 1100 प्लस 3500 ये कितना हो जाएगा 0, 0, 5 प्लस 1 6 और 3 प्लस 1 4, तो 4600 इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये इजीएस्ट वे होगा इसको प्लस करने के लिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमें बस प्लस करना था, और इस वाले क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लाई करना है, और इसमें भी हमें इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमें ईजी पड़े मल्टीप्लाई करना। तो पहला पार्ट है हमारा 2 मल्टीप्लाई बाय 1768 मल्टीप्लाई बाय 50। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, 2 को मैं 50 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा 100, ठीक है। तो मैं 2 को पहले 50 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ईजी वे, और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा बाद में 1768 से। 2 5 10 ये 100 हो जाएगा,
मल्टीप्लाई 1768। ठीक है, अब क्या करना है, इजी ट्रिक, आपको बस 1768 लिख देना है और यहाँ पे कितनी जीरोज हैं, 1 2, टू जीरोज हैं तो दो जीरो से यहाँ लगा देने। 1768 की मल्टीप्लाई हमने पहले करी 1 से करी तो ये आया, और फिर दो जीरोज थी वो दो जीरोज को पीछे लगा दिया, तो इजी था ये। वरना मैं 2 को पहले 1768 से मल्टीप्लाई करता, फिर उसकी क्या मल्टीप्लाई आती, फिर उसको 50 से मल्टीप्लाई करता, तो वो हमारा हार्ड हो जाता। अब हम अगला पार्ट करते हैं, बी पार्ट। बी पार्ट है हमारा ये 4 मल्टीप्लाई बाय 166 मल्टीप्लाई बाय 25। तो अगर मैं 4 को 25 से मल्टीप्लाई करूँ तो डायरेक्टली मेरे पास क्या आ जाता, 100 आ जाएगा। ठीक है, 4 को मैं 25 से करूँगा 100 आ जाएगा। तो मैंने क्या करा, पहले 4 को 25 से मल्टीप्लाई करा और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया 166 से। तो 4 को 25 से करूँगा मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ जाएगा 100। 4 5 20, 0 आएगा नीचे, फिर 4 2 8 9 10, 100 आ जाएगा मल्टीप्लाई 166। अगेन 166 की मल्टीप्लाई क्या होगी, सिर्फ 1 से, 166 1 जा 166 और फिर पीछे दो जीरोस लग जाएगी आंसर। ठीक है, इजी वे पढ़ा हमें। अब सी पार्ट है हमारा ये 8 मल्टीप्लाई बाय 291 मल्टीप्लाई 125। अब मैं 8 की मल्टीप्लाई अगर 291 से करता हूँ तो 8 1 जा 8, पीछे क्या आएगा, 8 की 1 से करी 8 1 जा 8 आया, और 8 की अगर मैं 125 से करता हूँ तो 8 की सबसे पहले 5 से करूँगा तो 8 5 जा 40 आएगा। ठीक है, तो 0 आ जाएगा ना एंड में, तो वो ईजी पड़ेगा। तो मैं पहले 8 की मल्टीप्लाई 125 से करता हूँ एंड देन मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसकी 291 से। 8 5 जा 40, 4 कैरी गया, 8 2 जा 16 प्लस 4 20 आएगा, 2 कैरी जाएगा, 8 1 जा 8 9 10, 1000 आ जाएगा मल्टीप्लाई 291। अब 29 की 1 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 291 जा 291, और यहाँ पे 3 जीरोज है तो यहाँ पे 3 जीरो लग जाएगी। तो ये हमारा सूटेबल रीअरेंजमेंट से हमने इसका प्रोडक्ट निकाल लिया। अगला पार्ट है हमारा 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई बाय 16। तो इसमें कैसा अरेंजमेंट रहेगा हमारा, तो इसमें अगर मैं 625 की 279 से कराता हूँ तो लास्ट नंबर क्या है इसका, 5, इसका लास्ट नंबर है 9, 5 9 जा 45, एंड में क्या आएगा, 5 आएगा इधर। और अगर मैं 625 की 16 से कराता हूँ तो 5 और 6, 5 6 जा 5 की और 6 से होगी तो 5 6 जा 30, तो लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो मैं इसी वजह से 0 वाले को प्रेफर करूँगा और 625 की मल्टीप्लाई मैं 16 से पहले करूँगा। ठीक है, और बाद में फिर 279 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब 625 और 16 की मल्टीप्लाई आपको करके देखनी पड़ेगी साइड में, यहाँ मैं कर रहा हूँ 16। सबसे पहले ये 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 प्लस 3 15 1, 6 6 जा 36 प्लस 1 37, उसके बाद 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 6 जा 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 10, 1 कैरी गया, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 2 10, 1 6 3 9, 9 प्लस 1 10, तो मेरे पास कितना आ गया, 10,000 आ गया, 10,000 इसका आंसर आया मल्टीप्लाई 279। तो 279 की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी तो 279 ही आएगा, उसके बाद पीछे कितनी जीरोज हैं, 4, तो यहाँ पे मैं 4 जीरोस लगा दूंगा। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के हिसाब से मैं कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास आता है 27,90,000 आंसर। तो अगला पार्ट है ये हमारा 285 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 60। तो 285 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा ही नहीं, मैं 5 और 60 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को 0 मिलेगा एंड में। तो यहाँ पे 5 6 जा कितना होगा, 30, 5 6 जा 30, और 10 ये थी तो यहाँ पे 10 ये हो गई मल्टीप्लाई 285। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ के सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई मैं 285 से करूँगा, यहाँ पे साइड में मैं कर देता हूँ 3 से, 3 5 जा 15, 1 3 8 जा 24 प्लस 1 25, 2 3 2 जा 6 प्लस 2 8, तो यहाँ पे आंसर आएगा 855। और यहाँ पे जो दो जीरोस बच गई वो जो दो जीरोस मैं यहाँ लगा दूंगा, तो इसका आंसर ये आएगा 85,500।
अब है हमारा एफ पार्ट, जिसमें हमें चार डिजिट दे रखी है, 125, 48 और 25। अब इन चार डिजिट्स के ऑफ कोर्स दो पेयर्स बनेंगे, तो हम कैसे पेयर करेंगे? तो देखो, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 25 है, और अगर मैं 8 यहाँ पे है, तो 8 की मल्टीप्लाई अगर मैं 0 से करता हूँ, तो यहाँ पे तो देखो 8 और 40 का आराम से पेयर बन सकता है। 8 को अगर 25 से करता हूँ, तो 8 5 जा 40, इसका 8 और 25 को भी बना सकता हूँ, और यहाँ पे 8 5 जा 40, इसके साथ भी एंड में क्या आएगा 40, और इसके साथ भी एंड में क्या आएगा 40। तो यहाँ पे बड़ी बड़ी डिजिट्स को लेता हूँ, 125 और 8 को लेता हूँ। मैंने यहाँ पे 125 और 8 को ले लिया, मल्टीप्लाई करके एंड में क्या आएगा, 8 5 जा 40, 40 आएगा, एंड में 0 आएगा मेरे पास, और 40 को मैं 25 के साथ पेयर अप कर लेता हूँ। ये इजी लगेगा, ठीक है? जिस तरीके से आपको इजी लगे आप उस तरीके से कर लो। 8 5 जा 40, 4 कैरी, 8 2 जा 16 प्लस 4 20, 2 कैरी, 8 1 जा 8, 9 10, 1000 आ गया है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेम मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा 25 से, ठीक है, 0 को कंसिडर नहीं करूँगा। 4 5 जा 20, 2 कैरी किया, 4 2 जा 8, 9 10, 100, और फिर ये जो एक जीरो बच गया था वो जीरो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। अब 1000 1000 क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से होगी, तो 1 1 जा 1 ही होता है। उसके बाद 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ पे, 3 जीरो यहाँ लग इसकी लगा दी, 3 जीरो इसकी लगा दी। इंडियन नंबर सिस्टम के हिसाब से 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें इसमें वैल्यू निकालनी है। तो पहला पार्ट है हमारा 297 मल्टीप्लाई 17 प्लस 297 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप यहाँ पे गौर कर सकते हो कि 297 17 के साथ भी मल्टीप्लाई में है, और 297 3 के साथ भी मल्टीप्लाई में है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो, आप यहाँ पे कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। कॉमन कैसे निकालते हैं अभी बताता हूँ। जैसे मैंने 297 की मल्टीप्लाई 17 के साथ है, ये मेरा एक पेयर हो गया, प्लस 297 जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई में, तो ये एक पेयर हो गया। अब 297 यहाँ भी आ रहा है, 297 यहाँ पर भी आ रहा है। तो अब 297 मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचेगा से 17, 297 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे आ गया 17। बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, तो प्लस आ गया इधर। अब 297 ये तो बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचा, 3, तो ये आ गया 3। तो इस तरीके से हमें कॉमन निकालते हैं, ठीक है। और कॉमन जब निकलेगा जब दोनों जगह पे नंबर आ रहा होगा, तो 297 यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई 17 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई मैं 297 से करूँगा, तो 2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 9 जा 18 प्लस 1 9 19, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 594 हो गया, और पीछे ये 0 हमारी आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। बी पार्ट है हमारा ये, इसमें भी आप देख सकते हो 54,279 जो है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो रहा है 92 के साथ, और 8 के साथ भी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें ये कॉमन आ जाएगा। तो आप पहले पेयर बना लो, 54,279 मल्टीप्लाई बाय 92, ये एक पेयर हो गया मेरा, प्लस 8 मल्टीप्लाई 54,279, ये एक पेयर हो गया। अब मैं कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ से, 54,279 बाहर निकाल लिया, यहाँ पे कितना बचेगा, 92 इस ब्रैकेट का, बीच में साइन कौन सा है, प्लस, तो प्लस, अगर माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता, और यहाँ पे कितना बचेगा, सिर्फ 8, ठीक है। उसके बाद 54,279, 92 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 100, इसकी मल्टीप्लाई बहुत ईजी है, 1 से हो जाएगी, 54,279 ऐसे का ऐसे ही, और पीछे 2 जीरोस और लग जाएंगी, तो ये 900 के बाद एक कॉमा, और ये हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर है 54,27,900, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सी पार्ट है ये, इसमें 81265 और इसमें भी 81265 आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा। तो पहले पेयर बना लेते हैं, 81265 मल्टीप्लाई 169, ये एक पेयर हो गया, माइनस 81265 मल्टीप्लाई 69, ये एक पेयर हो गया।
दोनों से मैंने 81265 बाहर निकाल दिया। यहाँ पे बचेगा 169, बीच में क्योंकि साइन माइनस का था तो माइनस, और यहाँ पे बचेगा 69 क्योंकि 81265 तो बाहर आ गया। उसके बाद 169 में से आप 69 को निकालोगे तो यहाँ आपका क्या बचेगा, 100 मल्टीप्लाई 81265, और सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 81265000। ये दो जीरोस आ जाएंगी और इसका आंसर आएगा 81,26,500। अगला पार्ट है ये हमारा 3,845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782, और यहाँ पे कितना है, 769 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 218। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे आपको 5 दिखेगा और यहाँ पे आपको 25 दिखेगा। 25 क्या है, 25 5 मल्टीप्लाई बाय 5 है, ठीक है। तो मैं इसको अगर 5 मल्टीप्लाई बाय 5 में ला दूँ तो ये 5 जो है कॉमन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये काम मैं कर सकता हूँ कॉमन निकालने के लिए, 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769 मल्टीप्लाई 25 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 218, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद अगर मैं 769 और 5 की अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आता है मेरे पास, ज़रा मैं देख लेता हूँ साइड में, 769 मल्टीप्लाई बाय 5, 59 या 45, 56 या 30 प्लस 4 34, 3 57 या 35 प्लस 3 38, 3845। तो आप देख सकते हो अगर मैं 769 और 5 की मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3845 यहाँ मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकूँ, 3845 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 782 प्लस 769 और 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, मुझे क्या मिल गया यहाँ पे, 3845 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 218, ठीक है। अब 3845 5 और यहाँ पे भी 3845 5 दोनों जो हैं कॉमन, मतलब बाहर लिए जा सकते हैं। 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 बाहर निकाल लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ 782 प्लस, और ये भी बाहर आ गया, ये भी बाहर आ गया, यहाँ से बचेगा सिर्फ 218। अब 2 प्लस 8 कितना होता है, 10, 1 कैरी, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10, 1 कैरी, 7 प्लस 2 9, 9 प्लस 1 10, ठीक है। तो 1000 इसको ऐड करने पे आ जाएगा। अब 5 की मल्टीप्लाई में 3845 से करता हूँ तो 55 जो 25 2 कैरी, 54 जो 20 प्लस 2 22 2 कैरी, 58 जो 40 42 हो जाएगा हमारे पास, एंड 53 जो 15 प्लस 4 19। अब 19225 की मल्टीप्लाई मैं 1000 से करूँगा तो सब जानते हैं क्या आंसर आएगा, 3 जीरो पीछे लग जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया, 1,92,25,000, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सूटेबल अरेंजमेंट करके आपको ईजिएस्ट वे में आंसर निकालना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ इसे नीचे लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो थैंक्स बच्चों, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, कीप ग्रोइंग।